व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले ये बात काइंड ऑफ कंफर्म की गई है कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ सकता है, वो थोड़ा डिले भी होगा, 10 से 12 जुलाई होगा। तो उसके हिसाब से हमने अभी जस्ट देखा कि कल या शायद परसों सुबह एक और आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, जहां पर उन्होंने बोला कि जो रिजल्ट है 3 से 4 जुलाई को एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो कल शाम को इंडियन एक्सप्रेस तो था ही, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दोनों ने यह बात कंफर्म करी कि 4 जुलाई को बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपकी आंसर कीज आ जाए। ऐसा क्यों बोला गया, किस बात पे बोला गया, क्योंकि सोर्सेस से पता चला एनटीए के ऑफिशियल से बात करके कि 10 से 12 जुलाई को रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या आंसर की का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, तो वो भी होना है। दैट मीन्स प्रोविजनल आंसर की अगर आ जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि आज रात तक आ जाए, क्योंकि दिन में अभी तक तो नहीं आई, तो अब या तो 6 बजे आएगी, 5 से 6 बजे, या 12 बजे आनी है, तो आज या कल सुबह तक 100% आनी है, जो कि ऑफिशियल्स ने खुद ही बोला कि उससे पहले आंसर की आएगी, रिजल्ट से पहले आंसर की भी आनी है। तो अगर आज प्रोविजनल आती है तो 2 या 3 दिन के बाद फाइनल आएगी, यानी 7-8 तारीख तक, फिर उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो तभी 12-13 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ पाएगा अगर आंसर की आ जाती है। तो सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, जिस पर आप चैलेंज कर पाओगे गलत आंसर्स को, वो आज रिलीज कर दी जाएगी। आज या तो 5 या 6 बजे आ जाएगी, या रात को 12 बजे आपकी रिलीज हो जाएगी। काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स ने इसको कंफर्म किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े आर्टिकल्स ने इसको कंफर्म किया। तो इस चीज को ध्यान रखना, 1 या मैक्सिमम 1.5-2 दिन मिल सकता है, मतलब 24 घंटे या मैक्सिमम 48 आवर्स मिलेंगे आपको चैलेंज करने के लिए। तो सुपर एक्टिव रहना, अगर आपने मिस किया आपने 1-2 दिन बाद चेक करूंगा, हो सकता है आपके यहां से चैलेंज करने का समय ही निकल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जैसे ही आएगी मैं अपडेट कर दूंगा कि जाइए आंसर चैलेंज कीजिए। और ये मत सोचना भैया थोड़ी सीधे रिजल्ट देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, एनटीए बहुत गलती करता है आंसर्स में, एनटीए का कोई भी एजेंसी हो, इंस्टीट्यूशन हो, बट एनटीए थोड़ी ज्यादा गलतियां करता है, बहुत सी गलत आंसर्स थे लास्ट ईयर के पेपर में। तो जरूर चैलेंज करना, सबके मार्क्स बढ़ते भी हैं, किसी एक ने भी चैलेंज किया तो सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो सब लोग अपने लिए स्टेप्स उठाओ और एक तरह से सबके लिए उठाओ यार, इतनी गलतियां करते हैं ना वो आंसर की, तो उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जरूर चैनल से जुड़े रहो, जैसे ही आएगा मैं कैसे चैलेंज करना है, कैसे सबमिट करना है चैलेंज को, सब सिखाऊंगा, तो करना जरूर, ये बात मिस मत करना। ओके, आपके आंसर की कभी भी आ सकती है, चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, अगली कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट्स, अब आने ही वाले हैं, या तो आज रात आपके हाथ में होंगे, कल सुबह जब आप उठोगे तो अकॉर्डिंग टू एनटीए ऑफिशियल्स आपके हाथ में होगा। मैं 100% तो मैं किसी बात पे नहीं कह सकता हूं, बिकॉज भैया ना कि पूरा भरोसा तो रहा नहीं किसी पे, बट स्टिल अब यहां से डिले करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज अब यही एक काम बच रहा है कि सीबीटी यूजी को अच्छे से खत्म किया जाए। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।